मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, सहाचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। राजनीति विज्ञान के बीए पार्ट द्वितीय के सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग भारत शासन अधिनियम 1919 को पढ़ेंगे। ये जो अधिनियम है ये 1909 के अधिनियम के बाद लाया गया और इसके माध्यम से ये प्रयास किया गया कि भारत में कुछ सुधारों को किया जाए और जो 1917 की अगस्त घोषणा की गई थी उसके अनुसार इस व्यवस्था को लागू किया जाए। इस अधिनियम की जो प्रस्तावना थी उसकी कुछ प्रमुख बातें थी कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का ही अखंड भाग बना रहेगा, ब्रिटिश भारत में उत्तरदायी शासन संसद की घोषित नीति का लक्ष्य है, उत्तरदायी शासन को धीरे धीरे ही दिया जा सकता है और उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए दो बातें या दो काम किए जाएंगे। पहला ये कि प्रशासन की हर शाखा से भारतीयों को का ज़्यादा से ज़्यादा संबंध जोड़ा जाए और दूसरा था स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक परिवर्तन किया जाए। अब हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताएं या इसके प्रमुख लक्षण। सबसे पहली विशेषता है प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना इसके माध्यम से की गई थी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण था। इसमें प्रांतीय शासन को दो भागों में विभाजित किया गया। एक था रक्षित विषय और दूसरा था हस्तांतरित विषय। रक्षित विषयों को पहले की तरह से गवर्नर की उत्तरदायी जो कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे उन्हीं के अधीन रखा गया और इन पर व्यवस्थापिका का कोई नियंत्रण नहीं रखा गया। लेकिन जो हस्तांतरित विषय थे वो लोकप्रिय मंत्रियों को सौंप दिए गए। ये व्यवस्थापिका के निर्वाचित सदस्यों में से चुने जाते थे और उन्हीं के प्रति उत्तरदायी थे। प्रांतीय शासन को इस तरह से दो भागों में बांटा गया और इसे ही द्वैध शासन की संज्ञा दी गई। दूसरी विशेषता है प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन। इस अधिनियम से प्रांतीय परिषदों की जो संख्या थी, सीटें थी, उनको बढ़ा दिया गया और अधिक से अधिक 140 और छोटे प्रांतों में से कम 60 सदस्यों की व्यवस्था इसमें की गई। इन सदस्यों में से कम 80% सदस्यों का निर्वाचित होना आवश्यक माना गया। जो सरकारी सदस्य रखे गए वो 20% से अधिक नहीं हो सकते और बाकी के जो 10% सदस्य थे वो गैर सरकारी सदस्य होने थे जिन्हें गवर्नर मनोनीत करेंगे। इस तरह विधानसभाओं का जो स्वरूप था वो पहले से ज़्यादा लोकतंत्रात्मक बना दिया गया। अगली जो विशेषता है वो है केंद्र में अनुत्तरदायी शासन की स्थापना। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई लेकिन केंद्रीय शासन को पहले की तरह केंद्रीय जो विधायिका थी उसके प्रभाव से मुक्त नहीं किया गया और इस तरह उसे अनुत्तरदायी रखा गया। किसी प्रकार का उत्तरदायित्व उसका नहीं रखा गया। अगली विशेषता है प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों को जोड़ना या संयुक्त करना। इस अधिनियम ने रक्षित क्षेत्र का प्रशासन गवर्नर के अधीन रखा था लेकिन प्रांतों की कार्यकारिणी परिषद में भी भारतीय सदस्यों की संख्या पहले से बढ़ा दी। बंबई और बंगाल की जो सरकारें थी उनके रक्षित भाग के 4 सदस्यों में से 2 भारतीय सदस्यों की व्यवस्था की गई और शेष जो प्रांत थे जहां कार्यकारिणी परिषद को रक्षित भाग के लिए केवल 2 सदस्य लेने थे उनमें से 1 भारतीय रखा गया। इस तरह से इन सदस्यों की नियुक्ति भारत मंत्री की सिफारिश पर ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की गई। तो इस तरह केंद्रीय कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या में भी वृद्धि की गई जो इसकी अगली विशेषता में आता है।
गवर्नर जनरल की जो पहले की तरह निरंकुश और स्वेच्छाचारी शक्ति थी उसको रहने दिया गया, लेकिन उसके बावजूद केंद्र में जो कार्यकारिणी थी उसमें अधिक भारतीयों की नियुक्ति की गई। और इन नियमों के अनुसार जो कार्यकारिणी पर पूर्व में निर्धारित संख्या संबंधी प्रतिबंध था उसे हटा दिया गया। और भारतीय उच्च न्यायालय के उन वकीलों को जिन्हें उनमें काम करते हुए 10 वर्ष से ज़्यादा समय हो चुका था, परिषद का लॉ मेंबर होने के योग्य मान लिया गया। इस तरह से तेज बहादुर सप्रू जो थे वो पहले लॉ सदस्य बनाए गए। कार्यकारिणी परिषद में ही भारतीयों की संख्या 1 से बढ़कर 3 कर दी गई। और जो व्यवहार में जिन लोगों को कार्यकारिणी परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया, देखा जाए तो वो वास्तव में जनता के प्रतिनिधि नहीं थे बल्कि सरकार के यस मैन थे, सरकार के पक्ष के लोग थे, जिन्हें कार्यकारिणी परिषद के में भारतीय जो थे उनमें से कुछ लोगों को कम महत्व के विभाग इसमें दिए गए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रभाव इसका नहीं पड़ा। अगली जो इसकी विशेषता है वो है केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना। केंद्र में 2 सदनीय व्यवस्थापिका इसमें लाई गई, जिसे शक्तियों का भी केंद्रीयकरण हुआ। और दोनों सदनों के नाम केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद रखे गए। केंद्रीय विधानसभा में 143 सदस्य रखे गए, जिनमें से 103 का चुनाव किया गया और शेष मनोनीत रखने थे। मनोनीत में से भी 25 सरकारी और 15 गैर सरकारी। जो 103 निर्वाचित सदस्य थे उनमें से 51 सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से, 32 सांप्रदायिक चुनाव क्षेत्रों से, 20 विशेष चुनाव क्षेत्रों से चुने जाते थे। राज्य परिषद में केवल 60 सदस्य रखे गए, जिनमें से 33 का चुनाव होना था और 27 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत थे। अगली जो विशेषता है वह है भारतीय शासन पर गृह सरकार के नियंत्रण में कमी। इस अधिनियम में मानफोर्ड रिपोर्ट में प्रांतीय तथा केंद्रीय शासन के परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए जो भारतीय शासन पर गृह सरकार का नियंत्रण था उसमें कुछ कमी लाने का सुझाव दिया गया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इस नियंत्रण के कमी आने से भारत मंत्री के अधिकारों में किसी प्रकार का औपचारिक परिवर्तन तो नहीं हुआ, परंतु समय के साथ ये माना गया कि ये नियंत्रण कम हो जाएगा और ये आशा की गई कि धीरे धीरे प्रांतीय शासन के हस्तांतरित जो क्षेत्र हैं उनमें गृह सरकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। अगली विशेषता है भारत परिषद में परिवर्तन। भारत परिषद को समाप्त करने की जो भारतीयों की मांग थी उसको इस अधिनियम में स्वीकार नहीं किया गया, बल्कि उसके गठन में कुछ परिवर्तन कर दिए गए। इसमें कम से कम 8 और अधिकतम 12 सदस्य नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। और जो ये सदस्य थे इनमें से भी कम से कम आधे ऐसे होने जरूरी थे जो नियुक्ति की समय से पूर्व भारत में कम से कम 10 वर्ष रह चुके हों और इस देश को अपनी नियुक्ति की तिथि के 5 वर्ष से पूर्व ना छोड़ा हो। इस परिषद का जो कार्यकाल है वो 7 साल से घटा करके 5 वर्ष कर दिया। और इस तरह से भारत परिषद के नियमों में काफ़ी परिवर्तन आ गया। अगली विशेषता है केंद्रीयकरण से विकेंद्रीयकरण की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम था। जो केंद्रीयकरण की नीति थी उसको अब धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया गया था। प्रशासन और राजस्व के कुछ विषयों का विकेंद्रीकरण किया गया, केंद्रीय सरकार के नियंत्रण से हटाकर कुछ विषयों को प्रांतीय सरकारों को दे दिया गया। जैसे प्रांतों को पहली बार ऋण लेने और कर लगाने का अधिकार दिया गया, इससे पहले ये अधिकार उनके पास नहीं था। प्रांतों में कुछ हद तक उत्तरदायी शासन की स्थापना करके विकेंद्रीकरण और स्वायत्तता की नीति को भी काम में लिया गया। अगली जो विशेषता या लक्षण इसका है वो है केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन। इस अधिनियम ने केंद्र और प्रांत सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन किया। ऐसे विषय जो पूरे भारत या अंतर प्रांतीय हितों से संबंधित थे केंद्र के अधीन रखे गए, और जो विषय प्रांतीय हितों से संबंधित थे उन्हें प्रांतों के अंतर्गत रखे गए। कुछ महत्वपूर्ण विषय जो केंद्र के अधीन रखे गए उसमें विदेश,
से संबंधित विषय सेना, रेल, डाकतार, आयकर, मुद्रा टंकण, व्यापार, जहाजरानी, चुंगी, दीवानी, फौजदारी, फौजदारी आदि के कानून रखे गए। प्रांतीय क्षेत्र में सामान्य तौर पर जो विषय रखे गए थे वो थे सार्वजनिक कार्य, स्थानीय प्रशासन, शिक्षा, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा, सिंचाई, राजस्व कर, कृषि, जंगल, जेल, पुलिस, न्याय व्यवस्था, अकाल पीड़ितों की सहायता आदि कुछ भाग इसमें रखे गए। इस तरह से दोनों ही क्षेत्रों में शक्ति। अगली विशेषता है प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत और मताधिकार का विस्तार। 1919 के एक्ट में प्रत्यक्ष निर्वाचन की कुछ हद तक शुरुआत की गई और ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत थी और मताधिकार को बढ़ा दिया गया। जहाँ 1919 के एक्ट में बहुत कम प्रतिशत जनता को मताधिकार दिया गया था, वहीं इस अधिनियम में नवीन निर्वाचन नियमों के अनुसार लगभग 10% जनता को मताधिकार प्रदान कर दिया गया था। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसमें मताधिकार का विस्तार जो किया गया वो बहुत ही सही तरीके से किया गया था, बल्कि अगली जो बात इसमें आती है वो अगले हमारी विशेषताओं में भी आती है इसकी, सांप्रदायिक मताधिकार का इसमें विस्तार किया गया था। जहां 1909 में पहली बार सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को काम में लिया गया था मताधिकार के रूप में, तो ये स्थिति इसमें बढ़ा दी गई। जहां केवल 1909 के एक्ट में केवल मुसलमानों के लिए इस पद्धति को बनाए रखा गया था, इस पद्धति में यानी 1919 के अधिनियम में पंजाब में सिखों को, 3 प्रांतों को छोड़कर शेष राज्यों में यूरोपियंस के लिए, 2 प्रांतों में आंग्ल भारतीयों के लिए और 1 प्रांत में भारतीय ईसाइयों के लिए इस सांप्रदायिक प्रणाली को लागू कर दिया गया। यानी पृथक निर्वाचन प्रणाली अभी भी पूरी तरह से काम में ली गई, जो कि आगे जाके भारत में भारत की राजनीति के लिए काफ़ी घातक सिद्ध हुई। अगली विशेषता है हाई कमिश्नर की नियुक्ति। जो हाई कमिश्नर की नियुक्ति है वो भारत में शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ब्रिटेन में की गई थी, जिससे भारतीय शासन को अच्छी तरह से चलाया जा सके। अगली विशेषता है नरेश मंडल की स्थापना। जैसा कि हम सबको मालूम है कि भारत में स्वतंत्रता से पूर्व बहुत ज़्यादा देशी रियासतें थीं, इस बात को ध्यान में रखते हुए एक नरेश मंडल के बनाए जाने का सुझाव दिया गया। इसके लिए 8 फरवरी 1921 को दिल्ली में एक नरेश मंडल की स्थापना की गई। ये जो नरेश मंडल था ये भारत के देशी रियासत के राजाओं के द्वारा बनाया गया था, उनको इसमें शामिल किया गया था। इस मंडल में कुल सदस्य संख्या 121 थी, जिसमें से 109 बहुत महत्वपूर्ण देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे और 12 कम महत्वपूर्ण रियासतों के प्रतिनिधि थे। इस मंडल का जो प्रधान था वो कोई देशी रियासत का राजा नहीं था, बल्कि इसका प्रधान वॉयसराय था और ये मंडल एक परामर्शदात्री सभा के समान था। एक और बात जो इसके बारे में कही जाती है कि 1919 का ये अधिनियम जो है ये एक तरह से संक्रमणकालीन उपाय था, एक प्रयोग के तौर पर था और केवल एक अल्पकालीन उपाय के जैसा था। जैसा कि लॉर्ड मेस्टन ने कहा था, स्वेच्छाचारी शासन और लोकतंत्र उस समय तक साथ साथ चलने के लिए बाध्य थे जब तक लोकतंत्र स्वयं चलना ना सीख ले और अकेला चलने के विश्वास से योग्य न हो जाए। तो इस तरह से अधिनियम की जो संक्रमणकालीन बात है उससे स्पष्ट होता है कि एक तरह से भारतीयों के लिए इसने पुल का काम किया और अधिनियम के द्वारा 10 वर्ष बाद एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया।